हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा ट्रिकी जीएस के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक है नवीनतम सामान्य जानकारी एवं कौन क्या है। यानी आप जान रहे हैं कि जुलाई में मंत्रिमंडल की गठन हुई थी, और मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात किस मंत्री को पुराना कुछ मंत्री रहे हैं पुराने मंत्री जो को जिनको कि कुछ अतिरिक्त प्रभार दिए गए, और कुछ के पास पुराने मंत्रालय ज्यों के त्यों रह गए, और कई मंत्रियों का नए मंत्रियों का नियुक्ति की नियुक्ति की गई है, और मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया था। तो ये रुक्मिणी प्रकाशन के पुस्तक में आप देख सकते हैं, काफ़ी आकर्षक ढंग से मंत्रिमंडल की सूची दी गई है और किन के पास क्या विभाग है वो फोटो सहित है, ताकि आप देख करके आसानी से चेहरे के साथ रिलेट करके ज़्यादा दिनों तक इसको याद रख पाएंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स में ये टॉपिक। आप जानते हैं जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, एक दो क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में होने की संभावना है आगामी 6 महीने से लेकर के 1 साल के परीक्षा में। यानी आप कह सकते हैं कि यानी अब मोदी सरकार में बहुत ही कम ही संभावना है कि मंत्रिपरिषद में फिर फेरबदल हो, इसकी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन ये मंत्रिपरिषद अभी जो है ये मानकर चलें आपकी एक अस्थाई ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन क्या कहाँ है इस वक्त। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू ये उपराष्ट्रपति हैं, और पूछा जाए राज्यसभा के सभापति तो आप जानते हैं अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, और ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के पास प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन से विभाग हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं अक्सर प्रधानमंत्री खुद जो भी होते हैं किसी भी पार्टी के हों वो अपने पास ही रखते हैं। सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो अन्य किसी मंत्री को आवंटित न किया हो उन सभी का चार्ज किन के पास, तो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। आगे देखेंगे आप कैबिनेट मंत्री में दूसरा बड़ा चेहरा, तो कैबिनेट मंत्री आप जानते हैं कि जो किसी भी विभाग के सबसे हेड यानी प्रमुख मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। मंत्रियों के 3 स्तर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रियों में ही कुछ स्वतंत्र प्रभार का एक अलग कैटेगरी होता है, तो ये मंत्री के अमूमन मुख्यतः 3 कैटेगरी हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का प्रमुख होता है, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय इनके पास पहले से था, अब भी इनको बरकरार रखा गया। अमित शाह गृह मंत्रालय, गृह मंत्री ये शुरू से हैं, इनको एक नया मंत्रालय गठित किया गया सहकारिता मंत्रालय, और सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को दिया गया। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पुराने मंत्री हैं और इनके पास वही डिपार्टमेंट फिर से कंटिन्यू है। आगे देखेंगे आप निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी, वित्त मंत्री हैं, कॉरपोरेट मामले और मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आगे देखेंगे आप नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है, पुराने मंत्री हैं और इनके पास पहले भी ये डिपार्टमेंट था, अब भी है। जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री थे और हैं। रेल मंत्रालय में एक बड़ा बदलाव हुआ, पीयूष गोयल रेल मंत्री हुआ करते थे, अब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय भी इनको दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे उनका मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव को ही सौंपा गया है। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास था, अब भी है। स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल ये रेल मंत्री हुआ करते थे, वाणिज्य और उद्योग इनके पास था, लेकिन इन्हें रेल मंत्रालय से हटा करके केवल अब वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय का प्रभार भी इनको दिया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं तो कुछ और हैं कैबिनेट मंत्री में लिस्टेड व्यक्ति हैं, तो देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख मंत्रालय, इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पहले रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान को ही सौंपा गया है। मुख्तार अब्बास नकवी बड़ा चेहरा है बीजेपी मंत्रिमंडल में, तो ये अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के इनके पास है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला एवं खान मंत्रालय इनको मिला है। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। गिरिराज सिंह बिहार से हैं, बेगूसराय से कन्हैया कुमार को हरा करके इन्होंने चुनाव जीता था, और अपने बयान के लिए ये चर्चा का
अब विषय बने रहते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दो बड़े मंत्रालय इनके पास हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत 2019 में आपको पता होगा कि एक नए मंत्रालय का गठन किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय का उनका, और पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 2019 में ही नियुक्त किया गया था। अब भी इनके पास ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME जिसको हम लोग कहते हैं, ये डिपार्टमेंट इनके पास है। आगे देखिएगा सर्वानंद सोनोवाल, तो ये असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और असम में जो चुनाव हुए 2 मई 2021 को जो परिणाम आए विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों के, उसमें सर्वानंद सोनोवाल बीजेपी बहुमत में आई, फिर भी इनको मुख्यमंत्री पुनः ना बना करके हेमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में सर्वानंद सोनोवाल को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलना स्वाभाविक माना जा रहा था, तो ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनको मिला है। आयुष मंत्रालय भी इनके जिम्मे सौंपा गया है। आगे कुछ और हम लोग देखते हैं, बड़ा नाम है कैबिनेट मंत्री में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये पहले थावरचंद गहलोत के पास था जिनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जी हाँ ये भी बड़ा नाम है, कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे मध्य प्रदेश से, इन्होंने 2020 में पिछले ही वर्ष इन्होंने पार्टी बदली थी और भाजपा का दामन इन्होंने थामा था, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्यों ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा तो इनको स्थान मिलना स्वाभाविक है और इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्रालय मिला है। रामचंद्र प्रसाद सिंह RCP सिंह बिहार के जदयू के बड़े लीडर हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ये इस्पात मंत्री बनाए गए हैं और इनके स्थान पर बिहार में अब राजीव रंजन सिंह, याद रखिएगा JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, JDU यानी जनता दल यूनाइटेड, जिस पार्टी के नीतीश कुमार हैं। पशुपति कुमार पारस, ये भी बड़े चर्चित नाम है, ये रामविलास पासवान के छोटे भाई और चिराग के चाचा हैं, इन्होंने चिराग को उनकी ही पार्टी से धड़ाक से बाहर करके फिलहाल LJP यानी लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको मिला है। किरण रिजिजू, ये BJP के बड़े लीडर हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र से आते हैं, इनको विधि और न्याय विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। राजकुमार सिंह RK सिंह, ये भी बिहार के ही नेता हैं, बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का भी जिम्मा इन्हीं को सौंपा गया है। मनसुख मांडविया, कोरोना के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के, उनको हटाया जाना तय माना जा रहा था ताकि सरकार, क्योंकि सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में एक सुधार लाने के लिए एक नए चेहरे को मनसुख मांडविया को यह मौका दिया गया और इनको रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव बिहार BJP के कर्ता धर्ता और बिहार में विधानसभा चुनाव में एक BJP को बड़ी जीत दिलाने के लिए 74 सीट BJP ने बिहार विधानसभा में लाया है, उनके पीछे इनको काफ़ी श्रेय दिया जा रहा है, तो इसी का इनाम शायद इन्हें मिला। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो प्रकाश जावड़ेकर के पास मंत्रालय था वो इनको सौंपा गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इन्हें सौंपा गया है। अगला नाम आप देख रहे होंगे पुरुषोत्तम रूपाला, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको मिला है। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का जिम्मा इनको मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर BJP मंत्रिमंडल में पहले से शामिल थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे वित्त विभाग के, अब इनका प्रमोशन करके सूचना और प्रसारण का मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया है। आगे हम लोग और देख लेते हैं कुछ नाम को। अब हमारे पास कुछ नाम है, ये है राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री में भी ये स्वतंत्र प्रभार हैं, और स्वतंत्र प्रभार हम लोग वैसे मंत्रालय वैसे व्यक्ति को कहते हैं कि उस विभाग में यदि कोई कैबिनेट मंत्री नहीं नियुक्त किया गया हो और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का किसी को नियुक्त कर दिया जाए तो उसका पावर जो होता है, शक्ति जो होती है, वह कैबिनेट मंत्री के ही समान होती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, श्री राव इंद्रजीत सिंह जो हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना मंत्रालय, ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। ये भी याद रखेंगे कि BJP मंत्रिमंडल के पुनर्गठन जो जुलाई में हुआ उसमें कौन दो चेहरे ऐसे हैं जिनके पास स्वतंत्र मंत्रालय है, स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री के रूप में, तो एक राव इंद्रजीत सिंह और एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्लस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह को
राज्य मंत्री के रूप में भी कई पद दिए गए हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय का राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इनको राज्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री। मैंने आपके शुरू में दिखाया आपको कि ये सभी विभाग किनके पास, मोदी जी के पास हैं, खुद उन्होंने रखा है। और कोई भी प्रधानमंत्री अपने ही पास ये विभाग रखते हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह क्या है, मोदी के अधीन इस पद पर काम करेंगे, यानी वे मोदी जी की सहायता के लिए राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, न कि कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री में मैंने आपको अंतर समझा दिया है शुरू में ही। आगे देखिएगा, ये श्रीपद यशो नाइक पद पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्य मंत्री एक ही मंत्रालय में एक से अधिक राज्य मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते, इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देखेंगे आप प्रहलाद सिंह पटेल, जल शक्ति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ये क्या है, ये राज्य मंत्री की मैं सूची आपको दे रहा हूँ। अश्विनी चौबे बिहार के नेता हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास है, संस्कृति मंत्रालय है। जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त, आप जानते हैं ये आर्मी चीफ रह चुके हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं ये। आगे हम लोग और देखते हैं तो अगला आपका नाम है इसमें श्री कृष्णपाल, ये विद्युत मंत्रालय इनके पास है, भारी उद्योग मंत्रालय। ये सभी क्या है, राज्य मंत्री हैं, बार बार याद दिला रहा हूँ आपको। दानवे राव साहब दादा राव, रेल मंत्रालय, कोयला और खान मंत्रालय। रामदास आठवले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं, राज्य मंत्री हैं ये सभी। साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्लस ग्रामीण विकास मंत्रालय। संजीव कुमार बालियान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय है इनके पास, ये भी बिहार के बीजेपी के सीनियर लीडर्स में से एक हैं। और पिछले मंत्रिमंडल जो 2019 में सरकार गठन के साथ ही बनी थी उसमें भी ये मंत्री बनाए गए थे और अभी भी ये कंटिन्यू राज्य मंत्री बने हुए हैं। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। एस पी सिंह बघेल विधि और न्याय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। मैं बार बार आपको याद दिलाते जा रहा हूँ सभी में। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री के रूप में। सुश्री शोभा करंदजाले कृषि और किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय किस रूप में, तो राज्य मंत्री के रूप में। भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोस वस्त्र मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों हैं इनके पास। आगे हम लोग देख लेते हैं तो कुछ और मंत्रियों के नाम आते हैं, ये भी राज्य मंत्री हैं। वी मुरलीधरन विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय है इनके पास। मीनाक्षी लेखी एक चर्चित नाम है ये, मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय के रूप में विदेश राज्य मंत्री हैं और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री। रेणुका सिंह जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री। कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण, मैंने पहले ही कहा था कि राज्य मंत्री के रूप में एक ही विभाग में दो से अधिक भी, एक से या दो से तीन चार जितने भी चाहें प्रधानमंत्री वो राज्य मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सभी जानते हैं 91 संशोधन आपने पढ़ा होगा 2003 में हुआ था और इसके तहत प्रावधान है कि कुल सदस्य संख्या का, संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है और यह विधानसभा और लोकसभा संसद दोनों के लिए लागू होता है। तो 15% के अंदर में जितने भी व्यक्ति को चाहे राज्य मंत्री एक ही विभाग में प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उनको। तो अन्नपूर्णा देवी ये झारखंड से बड़ा नाम है, पहले आरजेडी की नेता हुआ करती थी और ये अब शिक्षा मंत्री हैं राज्य मंत्री के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं श्री ए नारायण स्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं राज्य मंत्री के रूप में। कौशल किशोर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री। अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री। बी एल वर्मा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास और सहकारिता मंत्री राज्य मंत्री के रूप में। अजय कुमार गृह राज्य मंत्री। देवू सिंह चौहान संचार राज्य मंत्री। आगे हम लोग और देखते हैं भगवंत खूबा, श्री भगवंत खूबा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री।
कपिल मोरेश्वर पाटिल, पंचायती राज राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुभाष सरकार राज्य शिक्षा राज्य मंत्री, भागवत किशन राव कराड़ राज्य वित्त मंत्री, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री, भारतीय प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, विशेश्वर टुडू जनजातीय कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री हैं, शांतनु ठाकुर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री राज्य मंत्री के रूप में, मुंजापारा महेंद्र भाई महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में, श्री जॉन बारला अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री, एल मुरुगन मत्स्य पालन पशुपालन व डेयरी सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में ये सभी कार्यरत हैं। कुछ और मंत्रियों को हम लोग देखते हैं तो कुछ और मंत्रियों के नाम हमें मिलेंगे। एक और नाम है निशित प्रमाणिक, ये भी राज्य मंत्री हैं। किस विभाग के? तो गृह युवा मामले और खेल मंत्रालय के। इसके अलावा संसदीय प्रमुखों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे लोकसभा के प्रमुख, राज्यसभा में कौन कौन प्रमुख पीठासीन अधिकारी वगैरह होते हैं। तो ये सेक्शन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। आपका मैंने शुरू में ही बताया कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभापति कौन है, वेंकैया नायडू, जो कि भारत के 13वें क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट है। आगे हम देखते हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह क्या है? उपसभापति राज्यसभा के। और हरिवंश नारायण सिंह के बारे में याद रखिएगा, ये जेडीयू के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के, बिहार के ही। ये इसलिए उपसभापति हैं क्योंकि जेडीयू एनडीए गठबंधन यानी भाजपा के साथ गठबंधन में है। आगे देखेंगे हम लोग देश दीपक वर्मा। हर सदन का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्यों में विधानसभा का क्या होता है? एक सचिवालय होता है, और सचिवालय का जो प्रमुख होता है वह महासचिव होता है। तो राज्यसभा का जो महासचिव है यह कौन है? देश दीपक वर्मा है। कहाँ के? महासचिव राज्यसभा के। और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या हैं? नेता प्रतिपक्ष हैं। कहाँ? राज्यसभा में, यानी कि ये कांग्रेस के नेता हैं और ये विपक्षी दल के नेता हैं। पीयूष गोयल क्या हैं? तो सत्ता पक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। सत्ता पक्ष का नेता क्या होता है? तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उस पार्टी का लोकसभा में एक लीडर होता है जिसको कहते हैं लोकसभा का नेता, जो अमूमन सामान्यतः कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री लोकसभा से निर्वाचित नहीं हो तो वे राज्यसभा के होंगे सदस्य, क्योंकि संसद की सदस्यता तो अनिवार्य है। तो यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो वो लोकसभा के नेता होते हैं, और यदि वे राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं तो वे राज्यसभा से नेता होते हैं। तो प्रधानमंत्री किसी एक सदन से, तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी वाराणसी क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं लोकसभा के, तो वे लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा में बीजेपी के लीडर पीयूष गोयल, जो पहले रेल मंत्री थे, अभी इनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, तो ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं, बीजेपी के हैं पीयूष गोयल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो लोकसभा में, लोकसभा में ठीक वही बात है जैसे सभापति उपसभापति है, ठीक उसी तरह यहाँ भी लोकसभा में भी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला हैं। ये कोटा, राजस्थान में कोटा है, कोटा से ही सांसद हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे कि राज्यसभा में महासचिव, सभापति महासचिव को राज्यसभा सचिवालय के नियुक्त करता है, ठीक उसी तरह लोकसभा सचिवालय के महासचिव को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का जिक्र है। तो लोकसभा के सचिवालय महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह, ये महासचिव हैं और ये लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। और मज़े की बात यह है कि मैं बिहार के जमुई ज़िले का रहने वाला हूं और उत्पल कुमार सिंह भी हमारे ही ज़िले के रहने वाले हैं, यानी हमारे लिए यह गौरव का विषय है। और जो बिहार के हैं, जमुई के हैं, उनके लिए भी यह गौरव का विषय है कि उत्पल कुमार सिंह आपके ज़िले के, आपके राज्य के हैं। दरअसल हम लोग किसी राज्य या ज़िले के हैं नहीं, हम लोग सभी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन एक क्षेत्रीयता की भावना, एक लगाव होता है कि हमारे क्षेत्र से कोई व्यक्ति महासचिव लोकसभा का है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर नरेंद्र मोदी। मैंने आपको समझा दिया है सत्ता पक्ष का नेता क्या होता है, सदन का नेता। तो ये नरेंद्र मोदी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी ये नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में।
तो ये करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देखा कौन क्या कहाँ और नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भी हमने चर्चा किया। चंद्रा ट्रिकी जी एस यूट्यूब चैनल आप सभी के सफलता की कामना करता है और आप सभी के सफलता के लिए समर्पित है। करंट अफेयर्स के वीडियोज हों या कोई भी वीडियोज हों, आप सभी को लगातार जिस भी सब्जेक्ट में ज़रूरत होगी उस हर सब्जेक्ट की वीडियोज हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दुलार समर्थन भरपूर मात्रा में हमारे चैनल को प्रदान करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके हर डिमांड को पूरी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।